समुद्र के किनारे रहते थे, जहां नदियां होती हैं, समुद्र होते हैं, अब वो कैसे ट्रैवल करते, वो कैसे नदी पार करते। धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम इस तरह से ट्री का जो ट्रंक है, देखिए ये अगर ट्री है तो ये उसका ट्रंक हुआ, ट्री का जो ट्रंक है उसके इस्तेमाल से एक बोट जैसी बना सकते हैं। इस तरह की बोट वो बनाया करते थे और इसमें बैठकर हम नदी पार कर सकते हैं। अब आप देखिए ये डिजाइन आज के डिजाइन से कितना ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से लोगों के पास यही ऑप्शन था, वो इतना ही सोच पाए और इतने ही रिसोर्सेस भी थे उनके पास। अब इसमें तो एक या दो लोग मुश्किल से बैठकर नदी पार कर सकते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, इंसान दिमाग लगाता गया। अब उसने सोचा कि अगर हम इस तरह से बेम्बू की स्टिक्स को जोड़ दें, लकड़ी से लकड़ी जोड़ दें, तो हमारी बोट थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसमें एट अ टाइम एक ही बार में कई सारे लोग बैठकर नदी पार कर सकते हैं। तो उसने इस तरह की बोट्स बनानी शुरू की। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमन बींग्स ने रियलाइज किया कि क्यों ना हम एनिमल्स को यूज करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारे पास हॉर्सेस हैं, डंकीज हैं, कैमल्स हैं, बुलॉक्स हैं, हम उन्हें यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एनिमल्स का सहारा लिया। वो एनिमल्स पे बैठ जाते थे, अपना सामान लाद देते थे और ट्रैवल करने लगे। अब इससे ह्यूमन बीइंग्स की जो ट्रैवलिंग है वो काफी आसान हो गई। अब तक वो सिर्फ पैदल चल सकते थे, अब उन्हें एनिमल्स का सहारा मिल गया। एनिमल्स पर बैठकर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते थे, बहुत सारा सामान भी अपने साथ ले जा सकते थे। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर हुई ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक मेजर इन्वेंशन, व्हील वॉज इन्वेंटेड। व्हील वॉज इन्वेंटेड इन 3500 BC, यानी कि लगभग 5500 साल पहले व्हील की इन्वेंशन हुई। पहला व्हील जो था वो लकड़ी से बनाया गया था और वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे कि आज के व्हील्स हैं जो आपके कार, स्कूटर, बसेस इन सब में लगे हैं। वो धीरे धीरे उसका डिजाइन इम्प्रूव हुआ, तब वो वैसा व्हील बना। अब इंसान को समझ में आया कि इस व्हील की मदद से वो एक कार्ट बना सकता है, एक चैरियट बना सकता है जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे व्हील को जोड़कर उसने कार्ट्स बनाने शुरू किए। एनिमल्स का इस्तेमाल तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन कितनी आसान हो गई। एक साथ कई सारे लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते थे, सामान भी ले जा सकते थे। यहाँ देखिए इन कार्ट्स की मदद से अब कितना सारा सामान